से हरियाणा बेहाल, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बाढ़ के भयावह हालात पर गहरी चिंता जाहिर की है। बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे हुड्डा ने अपने अनुभव पत्रकारों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि निश्चित ही भारी बारिश की वजह से आपदा की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन इसमें बीजेपी जेजेपी सरकार की नाकामी भी साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस बार पहले से ही ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा रही थी। बावजूद इसके सरकार ने इससे निपटने के लिए पहले से उचित तैयारियां नहीं की। सर, आपने जो ज्यादा बारिश के चलते जो जल भराव है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, पानीपत है, करनाल है, कई जिलों में जो स्थिति है उसका आपने जायजा लिया है, आप ट्रैक्टर पर कई जगहों पर गए हैं, किस तरह की स्थिति सर क्या देखते हैं, किस तरह से पूरा ये प्रदेश में जो ये जल भराव है इसके लिए आप व्यवस्था जो है उसमें जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, ये तो आपको पता है पीछे पानी होता है पीछे, और यमुना का स्तर भी जो है पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जिसमें जहाँ जहाँ इलाके में गया कल, कुरुक्षेत्र भी, अम्बाला भी, शाहबाद भी, सब बहुत सारे इलाकों में गए हैं, तो वहाँ नेचुरल क्लाइमेट जो है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जो प्रबंध करने चाहिए थे, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी हुई होगी वहाँ, और आपके वार्निंग भी थी ये भी, आपके बारिश ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा आएगा, तो सरकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए थी और पूरे कदम उठाने चाहिए थे। जैसे आम हर जगह से यही शिकायत मिली कि भाई ड्रेन साफ नहीं हुई, कोई ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, सीवर की नहीं सफाई हुई, और जैसे बंद हैं वो मजबूत नहीं किए गए जो कि करने चाहिए थे। अगर ये सब पूरे प्रबंध पहले स्टेप लिए जाते, कदम उठाए जाते, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। और जैसे मतलब आपका जो इलाका है इसमें जो ये अपनी नहर हमने खोदी थी दादू कुंडल भी, वो इन्होंने आड़ दी, अगर वो खुदी रहती, वो चलती, तो बहुत भारी लोगों को राहत मिलती उस नहर से। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं जो सरकार को करना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं किए हैं। आमतौर पर शिकायत मिली है ड्रेनेज तो सबसे पहला काम होता है, ड्रेन साफ की जाए। तो अब तो ये है कि जो हुआ है उसका नुकसान भरपाई कैसे की जाए लोगों को। लाखों एकड़ जो जमीन जो है बिल्कुल सबमर्ज हो गई, किसान बर्बाद हो गया, उनको कंपनसेशन देना चाहिए। बहुत सारे गरीब आदमियों मकान भी खराब हुए, वो देना चाहिए। दुकानों का बड़ा नुकसान हुआ, दुकानदार का, और ये इंडस्ट्री का, जैसे अम्बाला में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे एक एक उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो सबकी जो है जो पूर्ति करनी चाहिए, नुकसान की पूर्ति करनी चाहिए सरकार को। और आम तौर पे शिकायत थी कि सरकार की तरफ तक कोई से कोई पूछने नहीं गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। हाँ, वहाँ के लोगों ने, मैं बड़ा कहा भी, अपील भी की, और वो लोगों का देखा मैंने, लोगों ने मदद की, मतलब ट्रॉलियों में भर भर के लंगर ले जा रहे थे लोगों, जैसे ट्रैक्टर में गए पानी भरे थे, सब दुकान बंद थी, कोई छत पे बैठे थे, उनको घर घर तक खाना पहुँचाने का काम, पानी पहुँचाने का काम लोगों ने स्वयं किया, जो वहाँ सेवा कर रहे थे जो उन सेवकों ने किया, बहुत अच्छा काम किया। मेरा अब भी लोगों से ये अपील है कि सब जो भी हो सके मदद करें, जो बाढ़ग्रस्त एरिए में फंसे हुए हैं या जिनको भोजन नहीं मिल रहा, वो इंतजार ना देखें, वो वापस में जो है एक दूसरे की मदद करें। सर, इस मामले में जो वो कांग्रेस जो कोई रणनीति है सर, कांग्रेस कोई राज्यपाल से मुलाकात करने की या कोई आपने तैयारी की है? हाँ, कल हम राज्यपाल जी को मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे ताकि तुरंत प्रभावी कदम सरकार को उठाने चाहिए। सर, ईश्वर सिंह जेजेपी के विधायक है, कैथल जिले के गांव में गए थे, लोगों में आक्रोश था, एक महिला ने उनके ऊपर हाथ तक उठाया, तो ये अब आप क्या मानते हैं कि तो जिस तरीके के हालात है वो लोगों को इस तरीके के मैं स्वयं देख रहा हूँ, लोग बहुत भारी तकलीफ में है, तो तकलीफ में जब आदमी होता है तो ऐसे कदम उठाए।
सरकार, ये हरियाणा के परिवहन मंत्री कह रहे हैं सर मूलचंद शर्मा, इसके अलावा भी जो हरियाणा के जो सरकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मुद्दे पे राजनीति ना करें, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो वो किसी को बताकर नहीं आती है, और वो प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपको तो राजनीति नहीं करना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, एक काम तय है, और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पीछे से पानी इतना आया है, लेकिन अगर ठीक समय पे कदम उठाए गए होते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सर सरकार द्वारा जो है वो जो मृतक है उनके लिए 4 लाख की मुआवजा राशि जो है वो जारी की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं 4 लाख की मुआवजा राशि को, और जिस तरीके से जो घर जिन लोगों के पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं उसका आंकड़ा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतकों का यदि जिक्र करें तो कल तक 10 था, आज जो आंकड़ा है वो 16 पहुँच गया है। 4 लाख की राशि आप समझते हैं कि, देखिए राशि 4 लाख की दी है वो भी तुरंत देनी चाहिए, लेकिन 4 राशि और महंगाई को देखते हुए ज़्यादा देनी चाहिए, जो ज़्यादा दी जाए दी जा सके, और सबको भोजन पहुँचाना और पानी की निकासी का कैसे कहाँ से निकलेगा वो करना सरकार की। सर आप मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो फील्ड में है और अलग अलग जगह पर अलग अलग जो विधायक है वो भी इस लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार इसको मॉनिटर नहीं कर रही है, सरकार लोगों के बीच में नहीं जा रही। मैं तो स्तर के अधिकारी भी नियुक्त किए गए, जो मैं तो वो कह रहा हूँ जिन दो लोगों ने मेरे ऊपर। सर अभय चौटाला जो है उन्होंने कहा कि उचाना से जो है वो जो भी इनेलो से टिकट पे जो है वो लड़ेगा तो वो मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर दावा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानूनी अड़चन जो है नहीं आती है तो ओपी चौटाला जो है वो सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला के अगेंस्ट जो है वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखना क्या, प्रजातंत्र है, कानूनी दायरे में जो भी लड़ सकता है, आप लड़ना चाहो आप लड़ लो, हाँ कोई भी लड़ ले भाई, किसने क्या मनाई थोड़ा प्रजातंत्र, कोई भी लड़। लेकिन जो परिवार के अंदर जो खटास है वो लगातार बढ़ती जा रही है, एक बड़ा कुनबा था वो कुनबा बढ़ता जा रहा है, कुनबा अपने एक दूसरे के सामने खड़ा हो रहा है, कितना फायदा जो है इससे कांग्रेस को होगा और बीजेपी को होगा, क्योंकि दो पार्टियां इनेलो और जसपा जो है वो आपस में लड़ रही है। बात नहीं, लेकिन लोग हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी को जीतते हैं, उचाना से जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। सर आपका विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भिवानी में 9 तारीख को था सर, जो किस तरह का आप उसको सफल कार्यक्रम कितना सफल मानते हैं? दूसरा ये अगला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शायद अंतिम कार्यक्रम में एक बाकी था सर, अब अंतिम नहीं है, दो बाकी सर, कब तक बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला विपक्ष आपके कार्यक्रम को भिवानी में, और अगला कार्यक्रम 20 अगस्त को हिसार में है जी, और फिर एक रह जाएगा 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी जी, 8वीं जो है भिवानी में थी जी, 9वां जो है हिसार में होगा, 10वां रोहतक जी। सर इस जो आपका पांच मरतबे में किरण चौधरी और उनकी बेटी जो है वो नहीं आई थी, वो अलग से प्रोग्राम कर रही थी, गुड बात है, कांग्रेस का कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, एक ही दिन सर दूसरा कार्यक्रम पैनल तक तय हो जाएगा सर, कार्यक्रम कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे, आपकी तरफ से विपक्ष आपके समक्ष बुलाया नहीं गया था सर? नहीं, मैंने स्वयं टेलीफोन किया था। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चंडीगढ़ ने विधानसभा के लिए जगह जो है वो एलोकेट कर दी है अलग से हरियाणा की विधानसभा के लिए, तो आप कैसा देखते हैं? देखिए मैं पहले कह चुका हूँ, ये चंडीगढ़ हमारा है, हम ही जमीन खरीद रहे हैं, 12 एकड़ जमीन दे रहे हैं, जो आज कीमत 12 एकड़ वहाँ कितनी कीमत है, 1 एकड़ मेरे ख्याल 50 करोड़ का होगा जहाँ पे दे रहे हैं, उसको लाला 600 करोड़ रुपए देना मतलब कोई मायने नहीं भाई, आप यहीं जो ऑलरेडी विधानसभा है इसमें एक्सटेंशन करें, जैसे हाईकोर्ट में जब जरूरत पड़ी हाईकोर्ट वालों ने और बढ़ा दिया अपने बना दिए एक्सटेंशन, तो इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ करना चाहिए, तो आपको मतलब है कि अलग से नहीं होना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए था। हम अपनी जगह क्यों छोड़े, और जब ये है ठीक है भाई, आगे ज्यादा मेम्बरों की जरूरत है तो यहीं लेके यहीं बनाए, छोड़ना तो पंजाब जाए, ठीक है ना, चंडीगढ़ जाने का ठीक है अपना, ठीक है सर, आपका मुताबिक इसी में विस्तार हो या पंजाब से हम ले, पंजाब छोड़े हम क्यों जगह छोड़े, क्योंकि हरियाणा अलॉट चंडीगढ़ को अलॉट हुआ था, हरियाणा को कमीशन चंडीगढ़ तो हरियाणा को दिया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।